अमेरिका के न्यूयॉर्क में लेखक सलमान रुश्दी पर एक कार्यक्रम में हमला हुआ है। बेफेलो के पास चोटाउका में चाकू घोंपकर घायल कर दिया गया है। हमले के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल ले जाया गया। सलमान रुश्दी को अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखा गया है। सर्जरी के बाद उनकी एक आंख जा सकती है। रुश्दी के एजेंट एंड्रयू वेली ने बताया कि वह बोल नहीं पा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सलमान रुश्दी सर्जरी के बाद अपनी एक आंख खो सकते हैं। इसके अलावा उनके हाथ की नसें भी फट गई हैं। हमलावर द्वारा किए गए चाकू से हमले में उनका लिवर भी डैमेज हो गया है। न्यूयॉर्क के गवर्नर के बाद अब इस घटना पर पुलिस का भी बयान आया है। न्यूयॉर्क पुलिस के मुताबिक संदिग्ध की पहचान न्यू जर्सी के 24 वर्षीय हैंडी मेटर के रूम में हुई है। गर्दन और पेट में चाकू के हमले के बाद रुश्दी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभी उनका इलाज जारी है। पुलिस ने बताया है कि चोटाउका में जो घटना हुई वह लगभग 150 साल के इतिहास में कभी नहीं हुई। हमारा काम अभी सलमान रुश्दी के परिवार के लिए एक संसाधन बने रहना है। हम इस हमले के उद्देश्य को समझने के लिए FBI के साथ काम कर रहे हैं। आपको न्यूज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।